हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो मैं आई हूँ कल के वीडियो के कमेंट्स लेके, जिसमें समर को आके पुलिस ने भी धो डाला। और देखते हैं अब इनके क्या आप लोग कमेंट्स किए हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले मैं शशि जी के कमेंट से शुरू करूंगी। शशि जी ने लिखा है, अरे बहन जी, ये गुनगुन बहुत बदतमीज़ है। ये सब उनके पूरी पूरे हैं। अब समर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, राधिका के संग रहे तो ही ठीक है। आई होप सो। देखते हैं क्या होता है। राधिका के संग तो रहने का उसको रहना तो चाहिए ही। अभी गुनगुन के साथ क्या होता है ये देखना है। फिर खुशी बहन ने लिखा है, हेलो दीदी, दीदी नमस्कार, मैं खुशी दीदी। दीदी, समर ने तो अब कान पकड़ लिया। ऐसे लग रहा है कि उसने बोला, ये बेबी मुझे बहुत भारी पड़ रहा है, अब मुझे बेबी ना दे, अल्लाह तू ही बेहतर है। यही, या तो अपनाने सही बोला कि बेबी ने बेबी आया नहीं अभी तो इस दुनिया में, लेकिन ये बेबी की वालिदा है, तो अभी से ही दिन में तारे दिखा दिए। आपकी ये बात तो बहुत हमें अच्छी लगी। थैंक यू खुशी बहन, और आप मुझे ऐसे मैसेज करते रहो, मुझे भी आपका मैसेज पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं नाम लूँगी हेमा जी का। हेमा जी ने लिखा है, दीदी, आफ्टर गुनगुन डूइंग सो मच रॉन्ग विद समर एंड हर फैमिली, देन ऑल्सो ही इज स्टिल नॉट थ्रोइंग हर आउट ऑफ हिज हाउस, वेयर ऑलरेडी कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड राधिका इज हिज लीगल वाइफ, वाई कान समर शो नोटिस टू पुलिस इवन ही इज रॉन्ग? सडनली हाउ अंकित इज चेंजिंग हिज कलर, सम टाइम लव फॉर राधिका एंड सम टाइम फॉर गुनगुन। अंकित इज जस्ट लाइक अ कॉइन। एग्जैक्टली, कब चे तो कब पट, समझ में नहीं आता है। शशि जी ने लिखा है, सर्दी दिख रही है ना, अभी हम धरती दिख रही है, जिससे कि समर पागल है, ये पिघल जाए और कुछ नहीं। देखते हैं क्या होता है। शशि जी, दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर आपका बेटा बहुत क्यूट है। थैंक यू सो मच दीपाली जी। और समर के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब गुनगुन भी बहुत पछता रही होगी कि ध्रुव जैसे अच्छे लड़के को छोड़कर यहाँ चली आई। उसको पछताना चाहिए, क्योंकि ध्रुव अब शायद ही अब उसके पास आए, क्योंकि ध्रुव इसको जब बोला कि अपॉर्चुनिटी दिया, चलो मेरे साथ अलग से रहो, तभी भी ये मानी नहीं। कौन लड़का बोलता है दूसरे के बच्चे के साथ अपनाने के लिए, कौन लड़का तैयार होता है? मगर ये एकदम बेकार लड़की है, बेकार। मुस्कान शेख जी ने लिखा, यू आर राइट मैम, थैंक यू सो मच। सरोजा मेनन जी, जो मुझे बहुत दिन के बाद मैसेज की है, उन्होंने लिखा है, मैडम, गुनगुन इज द बिगेस्ट क्रिमिनल, शी हैज़ नो मैच्योरिटी, शी वॉज फोर्सिंग समर टू डू ऑल फॉर हर फ्यूचर, ही अरेंज्ड द मैरिज विद ध्रुव, ही हैज़ ऑल्सो नो ब्रेन सफरिंग लाइक एनी थिंग, देन राधिका फोर्सली मैरिड समर, एक्टिंग डैड एंड समर मॉम फोर्स राधिका, गुनगुन हैज़ नो मैच्योरिटी, शी बिहेव्स लाइक साइकिक। If were a good wife of Dhruv, it would not have happened. Gungun loves Samar like anything, but she did not know, spoiling Radhika's life. Not only that, when she forced Samar too much, he also fell in love. When she approached Samar, he could have been kick her out now. He is getting beat from all. Where is Radhika's real dad? God knows where is Radhika's real dad. I don't think so. Now anyone will be coming for Radhika. Dad वही थे जो real के लिए dad बने थे, अब वो तो चले गए, अब कोई dad मुझे नहीं लगता scene में आने वाले हैं। रेहाना बहन ने मुझे काफ़ी दिन के बाद मैसेज किया है। रेहाना बहन ने कहा, हाय सिस्टर, कैसे हो आप? बस आप कमेंट पढ़ते रहे, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। फिर रत्ना आंटी ने लिखा है, बहुत मज़ा आया बेटी, बहुत मज़ा आया। देखो, हम हर रोज़ कितने सारे यूट्यूबर को देखते हैं, वो सब हेल्पिंग वीडियो बनाते हैं, इतना डी ग्रेड स्क्रिप्ट तो नहीं दिखाते वो अपने ऊपर। समर को जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो समर और गुनगुन को जो कैरेक्टर बनाया, इसको तो कोई बड़ा वाला प्राइज मिलना चाहिए एकदम। ये स्टोरी कहाँ कहाँ घूमेगा, ओनली गॉड कैन से। उधर सैम को देखो, वो वी स्टोरी को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। ए, क्या करो, गिर जाओगे, इधर आओ, ले जा रहा है। सेम केस, भगवान समर, सैम और छोटू को सद्बुद्धि दे। भगवान जाने इनको सद्बुद्धि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो इन्हीं की बात है। फिर सविता जी ने लिखा है, सही बात है बहन जी, गुनगुन किसी की सगी नहीं है, ना अपने ना अपने परिवार की, एकदम नहीं। रत्ना आंटी ने फिर लिखा है, समर के साथ गुनगुन अंकित की पापा जो कर रहे हैं, देख के लगता है ये स्टोरी फिर से पहले की ओर जा रही है, फिर से समर को
बचाने के लिए आएंगे, उसको ज़मींदारनी मम्मी इस बार भी समर डिप्रेशन में जाएगा और मम्मी आएगी मसीहा बनके। हाँ, मुझे लगता है पुरानी मम्मी को अब लौट आना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो मम्मी थी ना, मौसी बनी मम्मी, ये तो कोई काम की थी नहीं, बस चिल्लाती थी, इसे सीन से आउट कर दिया इनको। तरनजीत सिंह जी ने लिखा है, अरे बहन जो सब मिला, जो ये सब मिले हुए हैं, सही बोला आपने, थैंक यू सो मच भैया। फिर आपने लिखा है समर आइज इसी लायक है एकदम। कंचन जी ने लिखा है, वेरी गुड, आपने सही बोला है, नागिन तो मेंटल है और उसकी फैमिली भी मेंटल है, ये सारी लाइफ मार ही खाती रहेगी एकदम, ये ऐसे मार ही खाती रहेगी। ये अबला नारी के ये गेटअप में क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आजकल की कौन सी लड़की अबला नारी है जो अपने पति से मार खाती है, वो भी इतनी यंग लड़की जो पति से मार खा रही है। रीमा जी ने लिखा है, गुनगुन कभी नहीं सुधरने वाली, एकदम नहीं, कभी नहीं सुधरने वाली। अब मैं देख लेती हूँ किसका मैसेज रह गया। ताशी जी का बिल्कुल सही बोला, 100% नागिन है बेशरम कमीनी। फिर ऊषा आंटी ने लिखा है, नागिन बहुत शातिर है, नागिन डबल गेम खेल रही है, बहुत गंदी औरत है, जूते लेकर बहुत मारना चाहिए, एकदम मारना चाहिए आंटी, मेरे सामने रहते ना अगर, मैं तो मारती पकड़ पकड़ के। और किसका मैसेज है देख लेती हूँ। शशि जी ने और एक मैसेज लिखा, उन्होंने लिखा है, समर को बेवकूफ़ बनाकर बहन जी प्रेग्नेंट हो गई है, ये ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट हुई है और कुछ नहीं, अब रोज़ उसको मार पड़ेगी, रोज़ जूते घर पर पड़ेंगे एकदम। बस मेरे पास इतने ही मैसेजेस थे, आई होप आप लोग अपने मैसेजेस का वीडियोस देखोगे और इन्जॉय करोगे, और प्लीज़ मुझे ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहना, मेरे साथ हमेशा बने रहना। आप लोग मेरा मैसेज सुनते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट अपना कमेंट आप लोग सुनते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसे सपोर्ट करते हो मैं बहुत 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 मुझे अच्छा लगता है। प्लीज़ मेरे साथ ऐसे बने रहना, मेरे साथ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना, और क्या बोलूँ, और कुछ बोलने के लिए नहीं है। बस मैं वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स वीडियोस भी देखिएगा, मैं अपने शॉर्ट वीडियोस भी लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।